बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक कट्टा बांधते हैं और एक और खुल जाता है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में मैंने बहुत पहले ये कहा था, लगभग एक साल पहले मैंने ये अर्ज़ किया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले ही मुतनाज़े बनाया जा रहा है। जो कुछ भी जजेस के साथ हो रहा है, आज कल को काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये सारी चीज़ें उनके पास मुड़ कर आएंगी। जो कुछ भी आज बंदियाल साहब के साथ किया जा रहा है, बाकी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ किया जा रहा है, यही चीज़ें जवाब बनाकर कल को तनकीद आएगी काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर और फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में मैंने बहुत पहले ये कहा था कि वो मीडिया का प्रेशर लेंगे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब सफाइयाँ देंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस बात की बहुत फिक्र है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें बड़ा क्लियरली मैंने कहा था कि वो ये कहेंगे ज़रूर कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये कहेंगे ज़रूर कि मैं मीडिया नहीं देखता, लेकिन वो मीडिया भी देखते हैं और उनको इससे फ़र्क भी पड़ता है। मैंने ये आपसे अर्ज़ किया था और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की कल की जो समाअत थी वो हूबहू उसकी तशरीह कर रही थी कि वो बार बार अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे थे, बार बार प्रेशर्स के बारे में बात कर रहे थे, बार बार मीडिया के बारे में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं उनको तैयार रहना चाहिए। एक तो पाकिस्तान में जो ट्विटर या एक्स उसको कहते हैं वो तो बंद है बड़े लंबे अरसे से, और ये वजारत दाखिला के कहने पर बंद किया गया, अब ये पता चला है। पाकिस्तान भर की अदालतों में इस पर केसेस चल रहे हैं, अभी तक कोई भी खुलवाने में कामयाब नहीं हो सका कि ट्विटर खोल दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। अजीब अजीब वजूहात सब लोग अपने अपने तौर पे बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि धांधली की वीडियोस जो हैं, साबिक वजीर इत्तलात कह रहे थे कि धांधली की वीडियोस ना चलें और वो बहुत ज़्यादा बल्क में आ रही थी तो हमने इसलिए उसको बंद कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी के लिए बंद किया था। सबकी अपनी अपनी वजूहात हैं, देखिए अब ये खुलता कब है। लेकिन जिस अंदाज में ये हुकूमत सोशल मीडिया के पीछे पड़ी है और जिस अंदाज में काजी फ़ायज़ ईसा साहब इसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो दिखाई ये देता है कि शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा लायामल बनाया जाए जिससे सोशल मीडिया को मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। क्या ये हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो खुद कफील हो या अपने पैसे खुद कमाकर खर्च करता हो। पाकिस्तान पैसा लेता है मगरबी ममालिक से, और ये जो सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये मगरबी ममालिक की हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे यूट्यूब है, चाहे बाकी इंस्टाग्राम है, टिकटॉक तो इधर से चाइना से है। ये वो मुल्क हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं। क्या हम इनके नेटवर्क्स को पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या उनको बंद करने के बाद पाकिस्तान इफ़ेक्ट नहीं होगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। और अगर उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है तो क्या उससे पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा दुनिया में, आज़ादी इजहार राय के बारे में और जमहूरियत के बारे में दुनिया में क्या कहा जाएगा? ये वो बड़े सवालात हैं जिनके जवाब आज हमारे पास नहीं है। हुकूमत को भी इन्हीं सवालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर इनको बंद कर भी दिया जाता है तो क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी जो वो चाह रही है? यहाँ VPNs हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, लोग आज भी ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने आपके हुक्मरान हैं, वज़ीर आला हों, चाहे वज़ीर आज़म हों, चाहे बाकी लोग हों, वो सब लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं और सारे VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये अच्छी चीज़ नहीं है तो हुकूमत को इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। हुकूमत ने इसको बंद भी किया हुआ है और इसका इस्तेमाल भी कर रही है। मिसाल के तौर पे एक हुकूमत है, वो एक गलत काम पे पाबंदी लगा, फ़र्ज़ करें शराब पीने पर पाबंदी लगा देती है और ख़ुद छुप छुप के पी भी रहे हैं VPN लगा के, तो ये तो ऐसे ही है कि ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगा दी, अच्छी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा, लेकिन छुप छुप के उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं VPN लगा के। तो मुझे तो ये मिसाल आसान लगी समझाने के लिए, तो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक नया कट्टा खुल गया है, पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और वो आई है अब पेशावर से। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नाम एक ख़त लिखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा है। अब मैं आपको पहले माजी की एक चीज़ याद दिला देता हूँ। सितंबर 2022 में काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को एक ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर आलम की रिटायरमेंट को 77
और जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट को 46 दिन हो गए हैं। मजीद 3 सीटें भी खाली हैं। अदालत 30% कम कैपेसिटी पे काम कर रही है। ये काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनने से पहले जो पिछले चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदियाल साहब उनको खत लिखकर कहा था जजेस तैनाती की जाए। अब जस्टिस नकवी जस्टिस एजाजुल अहसन इस वक्त जो हैं वो जस्टिस नकवी भी नहीं हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन ये दोनों इस्तीफा देकर जा चुके हैं। 11 जनवरी को गए, 85 दिन इनको भी हो गए हैं। यानी काजी फायज ईसा साहब को उस वक्त 77 दिन और 46 दिन वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे और इस वक्त काजी फायज ईसा साहब को 85 दिन जो है वो ज़्यादा नहीं लग रहे और सीटें अभी भी खाली हैं। उस दौर में 77 और 46 दिन तक जब सीटें खाली थी तो काजी फायज ईसा साहब ने लेटर लिख दिया था कि हमारी तादाद पूरी करें जनाब, प्रेशर पड़ा हुआ है, काम करना है। और आज वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो 85 दिन हो गए हैं और अभी तक जजेस की तैनाती नहीं हो रही। और ये भी याद रहे कि काजी फायज ईसा साहब के होते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीटें होने के बावजूद सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख और पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी रिटायर हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे कुछ अर्सा पहले कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ने बताया और कुछ हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख साहब, ये लोग सीनियर लोग थे लेकिन काजी फायज ईसा साहब को पसंद नहीं थे। तो सीनियरिटी की बेस के ऊपर अगर वो जजेस की तैनाती करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ये दो जजेस सीनियरिटी की बेस के ऊपर पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसलिए काजी फायज ईसा साहब ने सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर या वैसे भी जजेस की तैनाती नहीं की, इतना लंबा वक्त गुजार दिया। दो जजेस जो हैं वो रिटायर हो गए। अब एक और जज जो है वो रिटायर होने वाले हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम इब्राहिम खान साहब। अब उन्होंने खत लिख दिया, काजी फायज ईसा साहब को खत लिखने का ज़माना आ गया है और 6 जजेस ने पहले खत लिखा, अब ये एक और खत आ गया है और इस खत के अंदर उन्होंने यही शिकवा कर दिया है। यानी काजी फायज ईसा साहब ने जो पैटर्न सेट किया था खुद से उमर अता बंदियाल साहब के लिए, अब वही सवाल उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। उस वक्त शिकवा करते थे कि जनाब आप जज क्यों नहीं लगा रहे, सीनियर लोगों को फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लेकर आ रहे, इतने इतने दिन गुजर गए हैं, अब खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो उससे ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, होना तो ये चाहिए था कि दूसरे चौथे पांचवें सातवें दिन या 10वें दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने उसूलों को मद्देनजर रखते हुए जो सीनियर तरीन जजेज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा देते। लेकिन मुबैना तौर पे, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा कि काजी फायज ईसा साहब शायद कुछ जजों को पसंद नहीं करते, वो उनके रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें अमीर भट्टी साहब गालिबन थे और एक मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अब ये भी रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपने ख़त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि भारी दिल के साथ ये ख़त फेवरेटिज़म से मुतालिक लिख रहा हूँ, मनमानी का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां खाली थीं, सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे से की है, बलूचिस्तान से की है उन्होंने। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इस खत के जरिए आपकी तवज्जो उसूल पसंदी, मेरिट और शफाफियत की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 4 असामियां खाली थीं। बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिया गया। अदालते उज़्मा में 4 जजेस की कमी थी, सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद लिखा कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती पर मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं, मैं सुप्रीम जुडिशियल कमीशन और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मेंबर हूं, असली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस वक्त जो है वो है, लेकिन उनको भी नहीं ले जाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आमिर फारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर वो जो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है उनमें से एक जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे, ये भी शायद कोई नहीं चाहता कि वो बने।
क्योंकि आमिर फारूक साहब जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे तब तक ये छः जजेस जो हैं इनकी शिकायत का अजाला नहीं होगा, और अगर इन छः जजेस में से कोई एक आ गया चीफ जस्टिस बनकर तो फिर उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, जो वो कह रहे हैं मुश्किलात उनके बकौल उनको हैं। लिहाजा आमिर फारूक साहब को भी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा रखा गया और उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया। उसूलन सीनियरिटी की बुनियाद पे जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाना चाहिए और उनके नीचे जो सात जजेस मौजूद हैं उनमें से एक को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और इसी तरह जो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पे हैं, उनको फौरी तौर पे पहुंचाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और पेशावर हाईकोर्ट में से जो सीनियर मोस्ट जज हैं दूसरे वो वहां पे चीफ जस्टिस बन सकते हैं। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने अपने खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियों को जल्द पूरा करना चाहिए ताकि जेरे इल्तवा केसेस निपटाए जा सके और अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि 31 साल से बतौर जज काम कर रहा हूं, मैंने हमेशा कम्युनिटी और अदलिया के वकार के लिए काम किया है, मेरे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जेरे गौर ना लाने पर मुझे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने खुद अदलिया में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 2022 में, ये मैंने आपको भी वाकया बताया, 2022 में उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिखा था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मेरे खत का मकसद आपके फैसले को चैलेंज करना नहीं है बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत, उसूल पसंदी और यकसा मवाक़े यकीनी बनाना है ताकि एक दूसरे को नवाजा ना जा सके। तो इस तरह ये खत है कादी फायद ईसा साहब के सामने, एक और ऐसा मामला जो माजी में उन्होंने खुद उठाया था आज आकर उनके सामने पहाड़ बन के खड़ा हो गया है। देखते हैं कि उसूलों का, क्योंकि कादी फायद ईसा साहब बहुत उसूली शख्सियत हैं, बहुत बुलंद उनके अफकार हैं, बड़े उसूल पसंद आदमी हैं, बड़े इंसाफ परवर इंसान हैं, तो देखते हैं कि कादी फायद ईसा साहब का इंसाफ यहाँ क्या करता है, क्योंकि दो जजेस तो चले गए। कादी फायद ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होना और ये मामला डिले होता जाना, उसकी वजह से दो जजेस तो रिटायर हो गए, तो क्या अब इंतज़ार किया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएं या कादी फायद ईसा साहब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के तौर पर लेकर जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, आमिर फारूक साहब, क्या उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रखा जाएगा या उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलवाया जाएगा, क्योंकि उनका भी हक बनता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पे मौका दिया जाए। और सीनियोरिटी का उसूल जो है, जिसका ढिंडोरा पीटा जाता रहा माजी के अंदर, बार बार कहा जाता रहा, सीनियोरिटी के उसूल को पसे पुष्ट डाला जाएगा या उसके मुताबिक ही काम किया जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। देखते हैं आने वाले दिनों में हमें जवाब मिलेगा। अब देखेंगे, इस वक्त कादी फायद ईसा साहब पर जब तनकीद हुई तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कुछ जुमले मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, ये जुमले मैंने लिखे हैं जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और दीगर जजेस के बारे में बोले जा रहे थे, और उस वक्त कादी फायद ईसा साहब जो बोलने वाले लोग हैं उनके दरमियान जाकर असेंबली के अंदर भी बैठे थे, यानी उन्हीं लोगों को उन्हीं पार्टियों के बीच में जाकर आप तशरीफ़ फरमा हुए थे जो लोग सीनियर जजेस की तौहीन कर रहे थे। अब देखें, अब आप अल्फाज देखें मरियम नवाज के, उमर अता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, ये उमर अता बंदियाल साहब के बारे में अल्फाज और लहजा था मरियम नवाज का। फिर कहा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो लोग, अब वहां जजेस की तस्वीरें चलाई जा रही हैं स्क्रीन पर, आज पाकिस्तान के हालात के ये लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो खोसा हो या साकिब निसार हो या एजाजुल एहसन हो या वो मजाहिर अली नकवी हो। फिर आपने देखा कि बंदियाल साहब रिटायर हुए और उनके बाद दो जजेस ने इस्तीफा दिया, एजाजुल एहसन और मजाहिर अली नकवी। मजाहिर अली नकवी साहब के ऊपर तो कंट्रोवर्सीज भी हैं। अच्छा, इसके बाद लेकिन उनका कहना कुछ और है इस बारे में। अब एक चीज और है, बिलावल ने क्या कहा, बिलावल ने कहा कि जजों को, यानी जजेस को उन्होंने छोटे छोटे लोग करार दिया था, बिलावल ने अपनी तकरीर में छोटे छोटे लोग करार दिया था। जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ को नायल करने वाले किरदारों को चौकों में लटकाया जाए, जजेस को मुखातिब करके कहा था। और फजलुर रहमान साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना देंगे, फिर आपने देखा कि ये गए भी फरवरी में और जिस तरह का वहां पे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे अदलिया के ऊपर चढ़ाई की, वो सब आपके सामने है। फिर एक पेशन गोई की थी मरियम औरंगजेब ने, आपको याद होगा,
और ये कहा था पेशनगोई कर रही हूं कि जजेस के घरों में घुसकर आग लगाई जाएगी, किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी, फैसला देने के ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बात की थी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी शुरुआत पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, फजल रहमान साहब ने या पीडीएम की जमातों ने बंदयाल साहब के खिलाफ की थी और उस पर कोई नहीं बोला था। आज तो उसका अशरे अशीर भी नहीं हो रहा और आज जो बातें उठाई जा रही हैं वो उसूल की हैं, कानून की हैं, आइन की हैं। देखना यह है कि काजी फायद ईसा साहब जिन उसूलों को रोज़ाना याद दिलाते थे और वो लेटर लीक भी हो जाते थे, वो उसूल अपने दौर में क्या उनको याद हैं, क्या वो उनको बुनियाद बनाकर जजेस की तैनाती करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। एक और चीज़ सोशल मीडिया के बारे में काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि तसद्दुक जिलानी साहब, जो उनके कहने का मतलब था वो ये था कि तसद्दुक जिलानी साहब जिनका एक रुकनी कमीशन बनाया गया था वो सोशल मीडिया के दबाव से भाग गए। तो मेरा एक सादा सा सवाल है काजी साहब से, मोहतरम चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, सादा सा सवाल ये है कि जो रिटायर जज सोशल मीडिया के दबाव में आकर भाग गया वो छः जजेस को दबाव से निकालेगा, कैसे मुमकिन है? अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।